यहाँ तो हम जन्म से ही रह रहे हैं, लेकिन हमारा उम्र 55 का करीब हो गया है, लेकिन आज तक हमको कोई सुविधा ना मिला, ना BPL है ना APL है। ब्लॉक में भी जा करके एप्लीकेशन दिए हैं, उसके बाद जो है कि SDO के पास जा करके कंप्लेन किए हैं, उसका दरख्वास्त दिए हैं, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ सुनवाई नहीं, पता नहीं चला कि वो क्या हुआ हमारा दरख्वास्त। हम निगरासन करने के कुछ नहीं के सफा पानी पिए के लिखे मिले आनर के घर से पानी लिया तन पियो तन जी तो राशन राशन कार्ड काहे नहीं के कहे ने अब कहा हमने के जातन जा कुल देतन जल्दी पढ़ के फार्म भरता मिलत नहीं जी तो ई समस्या रोरे साथ बा कि और लोग साथ भी और लोग के साथ बा अगर ई BPL कार्ड रो के बन जाए तो उसे रो का फायदा हो बहुत फायदा हो जी कि हमने के खुशी हो जाए कि हमने के 20 रुपया 22 रुपया चावल मिलता है तो हमने के 2 रुपया 3 रुपया मिली तो हमने के ढेर ना हमने के कमाई किया है हमने के इसके पहले भी चुनाव हुए हैं मुखिया के तरफ से या किसी के तरफ से यह पहल नहीं की गई है कि गांव में कितने गरीब हैं किसका BPL बनना चाहिए किसका APL बनना चाहिए यह आज तक से नहीं देखा गया और सभी लोग जो है हमारे गांव के जो भी कार्यकर्ता वोटर्स जो भी हैं त्रस्त हैं गरीब हैं हमारा गाँव भूमिहीन है एक कट्ठा जमीन किसी के पास नहीं है वह गरीब हैं वह मुहताज रहते हैं मजदूरी कर करके अपना करते हैं लेकिन हमारा जो पंचायती राज में जो चुनाव होती है वह लोग जो है जो भी चुन के जाते हैं वह पहल नहीं करते हैं जिससे बहुत कठिनाई हो रही है बहुत दिक्कत हो रही है न शौचालय की व्यवस्था किया गया है न कुछ किया गया है। मैं और मेरा समुदाय चाहते हैं कि इन्हें हर तरह के राशन कार्ड दिए जाए और समय से इन्हें भोजन मिले। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करती हूँ कि खाद्य आपूर्ति विभाग का मोबाइल नंबर 061-83-22-21-54 पर कॉल कर मेरी मदद करें ताकि सभी ग्रामीण परिवारों को समान रूप से राशन कार्ड की मुहैया कराई जाए। मैं ममता, जिला बक्सर, बिहार, इंडिया, अनहर के लिए।